Hello everyone, and welcome to my new lecture of Microsoft Excel. And today we will discuss two main important topics of Excel related to functions and formulas, and these are called relative reference and absolute reference. Okay, last lectures में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है about formulas and functions क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं Excel में. मैं आपको link ऊपर top side पे provide कर दूंगा, तो आप वो भी देख लें. और उसी से रिलेटेड ये वाला हमारा लेक्चर है जिसमें रेफरेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं फार्मूलाज एंड फंक्शंस में. तो पहले हम इनको देख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल फंक्शंस एंड फार्मूलाज की तरफ जाएंगे जो कि ऊपर आप देख रहे हैं कैटेगरीज फॉर्म में, ये वाले जो हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये दोनों क्या हैं. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. पहले देखते हैं रिलेटिव रेफरेंस. ठीक है, रेफरेंस क्या होता है पहले उस पर आते हैं. एक्सेल में मैंने आपको शुरू में बताया है कि वी कैन राइट सम कॉन्स्टेंट वैल्यूज, we can write some, for example, some text, okay, and so we have two constants and we have text values. इस तरह के हम लोग time भी लिख सकते हैं, हम लोग date भी लिख सकते हैं. तो ये different type का data है जो Excel में हमारे पास आता है. ठीक है, ये time data, date type data हो सकता है, time का भी data हो सकता है, constants हो सकते हैं, text based values हो सकती हैं, and so on, okay. Now फार्मूलाज एंड फंक्शंस की अगर आप बात करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग कॉन्स्टेंट्स वगैरह को यूज़ करते हैं. ठीक है, कैलकुलेशंस पर्पज़ के लिए. तो मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल कि हम ऐड करना चाहते हैं इक्वल साइन प्रेस करेंगे. ठीक है, मैंने लास्ट टाइम बताया था. और मैं चाहता हूँ कि मैं इस सेल में पड़ी हुई वैल्यू जो भी है, सी कॉलम है और फोर्थ नंबर रो पर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, डेट इज़ 34, इसको हम ऐड करना चाहते हैं विद दिस वैल्यू कॉल्ड डी एंड 3. सो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ आ गया C4 और ये ब्लू कलर का आ रहा है. इसका मतलब है कि आप फार्मूला में या फंक्शन में एक रेफरेंस यूज कर रहे हैं, यानी C4 पे जाना है एक्सेल ने और वहां से वैल्यू को रीड करके यहाँ पे पुट करना है, डेट विल बी कॉल्ड रेफरेंस. ठीक है, सो C4 जो है वो यहाँ पे रेफरेंस हो गया. हम इसको ऐड करना चाह रहे हैं. ठीक है, प्लस साइन मैंने पुट कर दिया और इस रेफरेंस के साथ, डेट इज D3. तो आप देखेंगे इसका अलग कलर है, सो रेफरेंस के डिफरेंट कलर बना होता है ये. सो ये एक रेफरेंस हमने बनाया C4 प्लस D3. इंटर करते हैं तो आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो ऐड हो गया, 34 प्लस 3 वी हैव 37. तो कहने का मकसद था कि ये जो है आपके पास रेफरेंसेज हैं. ठीक है, नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ रेफरेंसेज कॉल्ड रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट. तो पहले देखते हैं कि रिलेटिव क्या है. ओके, रिलेटिव को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा चार्ट बना लेता हूं. लाइक वी हैव सम वैल्यूज. ठीक है, सो मेरे पास यहां पे कुछ वैल्यूज हैं. ठीक है, इस तरह वर्टिकल वैल्यूज आ रही हैं. तीन कॉलम्स हैं, D E F. मैं चाहता हूं कि ये जो कॉलम है में जो वैल्यूज हैं वो एड होके यहां पर आ जाए. ठीक है, यहां पर. सो हम पहले फॉर्मूला के थ्रू कर लेते हैं. इक्वल साइन D1 प्लस D2. ठीक है, सो D1 में जो वैल्यू है उसको ऐड कर दो D2 के साथ. आप इंटर करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3. ठीक है, सो D1 प्लस D2. नाउ आप नोटिस करें ये जो लिखा है ये फार्मूला है. ठीक है, अब ये चीज, ये जो चीज लिखी है ये सिर्फ D कॉलम के लिए लिखी गई है. ठीक है, D1 एंड D2. अब यहां पर भी वैल्यूज हैं उसी फैशन में जैसे यहां पर थी, वर्टिकल फैशन में. यहां पर भी वैल्यूज हैं, वहां पर भी दो थी, यहां पर भी दो हैं. तो अब होगा क्या कि आपके पास फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, इस तरह बहुत से कॉलम हो सकते हैं, उनमें वैल्यूज हो सकती हैं. जैसे आपने एक के लिए लिखा है फार्मूला, उसी तरह आपको दूसरे के लिए भी लिखना पड़ेगा, थर्ड के लिए भी लिखना पड़ेगा, एंड सो ऑन. तो ये टाइम कंज्यूमिंग है कि आप एक ही चीज़ बार बार लिखते जा रहे हैं. ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर लिखा उसी तरह आपने यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखनी होगी. लाइक इक्वल साइन दिस सेल प्लस दिस वन, सो इंटर, सो यू विल गेट 7, एंड सो ऑन. एक्सेल कहता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो आप क्या यूज कर लें, रिलेटिव रेफरेंस यूज कर लें. व्हाट इज रिलेटिव रेफरेंस, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ. रिलेटिव ये है कि जो अभी आपने यहाँ पे किया है, ठीक है, वो प्लस ऑपरेशन है, एक्चुअली में प्लस ऑपरेशन है डी कॉलम के लिए. ठीक है, रो 1 है, रो 2 है, यही काम हमने करना है यहाँ पे. ठीक है, इस जगह पे इस कॉलम के लिए. तो एक्सेल कहता है कि आप बजाय दोबारा लिखने के आप इस सेल का जो भी आपने इस पर काम किया है उसको कॉपी कर लें. सो हम आते हैं होम टैब, कॉपी. ठीक है, ये एरिया कॉपी हो गया, ये कॉपी है. इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कुछ भी है वो सारा कॉपी हो गया. जब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपका आंसर 3 नहीं होगा, बल्कि आपका आंसर यहाँ पे 7 हो जाएगा. देखें,
यहाँ पे आंसर 7 हो गया, लेकिन मैंने कॉपी इसको किया था, डेट वॉज 3 वैल्यू। तो ये कैसे 7 हो गया, इसको देखने के लिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। आप देखेंगे कि एक्सेल ने आपके जो कॉलम्स हैं वो अपडेट किए हुए हैं, यानी यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया था, इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो यहाँ पे डी कॉलम था, डी रो तो चले 1 और 2 ही है लेकिन कॉलम डी था। जब आपने इसको कॉपी किया और पेस्ट किया तो उसने कॉलम को अपडेट कर दिया, देखें ई कर दिया है। ये कहलाता है रिलेटिव रेफरेंस, यानी जैसे ही आपने कॉपी किया अपना डेटा और किसी और कॉलम पे जाके उसको पेस्ट किया तो आपका एक्सेल जो है वो रिलेशन बना देगा आपके उसी ऑपरेशन का विद न्यू कॉलम, न्यू कॉलम इन दिस केस इट्स ई। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, लेट्स सपोज कंट्रोल सी, और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सेल ने एडिशन परफॉर्म तो की है लेकिन इस बार अगेन उसने रेफरेंस को चेंज कर दिया और यहाँ पे रेफरेंस हो गया है एफ कॉलम का। ठीक है, तो रिलेटिव रेफरेंस क्या है, रिलेटिव रेफरेंस वो है जब आप लोग कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं तो एक्सेल जो है वो आपके लिए नए रेफरेंस बना देता है, ऑपरेशन वही रखता है जैसे प्लस साइन है लेकिन रेफरेंस जो है वो आपका चेंज कर देता है, डेट इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, सो ये काफी हमें जरूरत पड़ सकती है, बजाय इसके कि हम लोग इसको खुद से लिखने बैठ जाएं फॉर्मूलाज को हर एक कॉलम के लिए, हम सिंपल इसको करेंगे कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, तो वो खुद ही आपके लिए रेफरेंसेस जो है वो बनाएगा। तो अच्छा ये है, इसमें अच्छी बात ये है कि आपको बार बार फार्मूलाज लिखने की ज़रूरत नहीं आएगी। इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं और वो ये है कि अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करना चाह रहे तो उस केस में आपको ये जो है बॉटम राइट साइड पे एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है, छोटा सा बॉक्स है, इसके ऊपर कर्सर लाइन तो ये प्लस ब्लैक कलर का हो जाएगा, देखें इसको हम बोलते हैं फिल हैंडलर, क्लिक करें ड्रैग कर दें एंड छोड़ दें तो आपका जो 7 है वो जनरेट हो जाएगा। इसको भी क्लिक करके छोड़ दें यहाँ पे तो आपका खुद ही फॉर्मूलाज जो है वो लिखे जाएंगे विथ रिलेटिव रेफरेंस। सो दैट वॉज रिलेटिव रेफरेंस, मैंने कॉलम के लिए किया, आप इसको रो के लिए भी कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट का मीनिंग है फिक्स हो जाएगा, यानी आपका जो रेफरेंस है वो चेंज नहीं होगा किसी भी कॉलम के लिए अगर आप अपने डेटा को कॉपी करते हैं, लेकिन डबल क्लिक करते हैं बाय डिफॉल्ट ये रिलेटिव है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसी को कॉपी करें और आगे इसी आंसर को यूज करें, इसी फार्मूला के आंसर को, और इसमें जो ये रेंज आप देख रहे हैं डी कॉलम की, ये चेंज ना हो, तो आपको एक छोटा सा काम करना है और वो है F4 की। F4 की मैंने प्रेस किया है तो मेरे कॉलम के नेम के साथ एक साइन आ गया है डॉलर, मेरे रो नंबर के साथ आ गया है एक साइन डॉलर, इसी तरह इधर भी है डॉलर। यहाँ पे शो कर रहा है कि ये रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं या फिल हैंडलर यूज करते हैं। सो लेट सी, हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो आप देखेंगे रेफरेंस चेंज नहीं हुआ होगा, आंसर सेम आ रहा है। डबल क्लिक करें, ये देखें अभी भी वही है, किसको हाईलाइट कर किया जा रहा है, वो जो टॉप पे रेंज है उसी को। इसी तरह अगर आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो आपका अगेन 3 आ रहा है, और अगर आप चेक करें तो रेंज वही हाईलाइट की जा रही है। आप सोच रहे होंगे ये कहाँ पे यूज होता होगा एब्सोल्यूट, हमें क्या जरूरत है कि हम लोग इन कॉलम्स का आंसर ये वाला ला रहे हैं। आगे एक फंक्शन हम लोग करने वाले हैं जिसका नाम है रैंक, रैंक फंक्शन। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस को यूज करना, वहां पे ये दोनों रेफरेंसेस यूज होंगे इस फंक्शन में, वरना अगर आपने ना यूज किया तो आपका आंसर जनरेट ही नहीं होगा। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि हम लोगों के फंक्शंस और फार्मूलाज को सीखने के लिए जरूरी था। अभी तो हमने उसमें डिटेल में एंटर हुए ही नहीं है फंक्शंस में, बहुत से फंक्शंस हम लोग करेंगे लेकिन ये चीज़ आपको पहले से ही आनी चाहिए थी। ठीक है, ये आगे काफ़ी यूज़ होगी जब हम फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, अभी हमने कुछ लेक्चर्स में स्टार्ट कर लेंगे। सो इसको आप प्रैक्टिस करें, देखें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करें, मोस्ट वेलकम। कमेंट्स फॉर्म में आप मुझे यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दें और देख लें, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कर लें लोगों के साथ, लाइक कर लें इसको। ठीक है जी, थैंक यू।